ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट होगा गाइस आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि यार ये कॉन्सेप्ट इतना हार्ड है, बट गाइस जब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाओगे अपनी फोटो को एडिट करने तो गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि गाइस मैंने जो इसमें बैकग्राउंड एंड जो पीएनजी वगैरह सब कुछ गाइस एकदम अच्छे तरीके से बना रखे हैं आप सभी के लिए। एंड आप लोग जब इसे डाउनलोड करोगे तो अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड भी हो जाएंगे एंड आप एडिट कर पाओगे। सो गाइस बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार मैंने आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी की फोटो का अगर एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। तो बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले जो है आप सभी को अपनी फोटो को जो एडिट करना है जो आपको इस बैकग्राउंड में एडिट करना है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर गाइस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद जाना है गाइस ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से रेस कर रखा है, एंड मैक्सिमम लोगों को तो यार बैकग्राउंड रेस करना आता ही है, एंड जिनको नहीं आता है तो गाइस उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेना एंड बैकग्राउंड रेस करना सीख लेना, ठीक है। तो बाकी आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को जो ये जो मॉडल है आपका गाइस इसको आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स रखने के बाद आपको उसकी ओपेसिटी कम रखनी है, ठीक है। एंड जो गाइस यहाँ पे आप सभी को जो पीछे जो जैगुआर दिख रहा है गाइस उसके जो थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे उसका जो पूंछ आ रही है जो गाइस आपके यहाँ पे मतलब मॉडल के ऊपर आपको उसको गाइस यहाँ पे इरेज करना है, ठीक है, क्योंकि इससे ना एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। एंड गाइस ये आप लोग भी इरेज करना, ठीक है, आप लोग मतलब कि इसको भूल मत जाना कहीं मतलब मॉडल को ऐड करते हैं, क्योंकि यार आप ध्यान से अगर आपने रियल फोटो देखी होगी विजय मेहर की तो आपने उसमें देखा होगा कि गाइस जो विजय मेहर उनके जो फ्रंट पे जो है ये जैगुआर की पूंछ जो है उनके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो आपसे कुछ स्टेप से करना है, एंड आपको इरेज करने के बाद आपको जो है इसका ओपेसिटी फुल रख लेना है यहाँ पे कुछ स्टेप से। एंड गाइस देखिए कितना अच्छा सा एकदम रियलिस्टिक सा लुक आ रहा है इसमें, बट गाइस अब इसमें रियलिस्टिक लुक देने के लिए हमें एक यहाँ पे शेडो भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम ये ब्लैक कलर की शीट लेंगे, ठीक है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है इरेजर टूल में, एंड इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, एंड आपको फोटो को जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपसे कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ना बड़ा कर लेता हूँ साइज़ यहाँ पे, तो साइज़ बड़ा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस कुछ स्टेप्स आप सभी को ऐसे पेंट करना है, ठीक है, ऐसे एंड एक इस तरीके से इस तरफ भी कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ स्टेप्स से पेंट करना है। एंड अभी आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो मतलब कि जो शेडो है कैसे बन रही है, मतलब कि तो हमारे कपड़ों के ऊपर भी आ रही है, बट गाइस उसका भी सॉल्यूशन है, उसकी टेंशन मत लो। तो आप सभी को कैसे करना वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आपको अभी यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। तो इसको हम डन करते हैं, एंड जो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है एंड इसको मूव डाउन कर देना है, एंड ये पीछे की तरफ चले जाएगा। देन गाइस इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। ओपेसिटी गाइस आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, मतलब कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना शेडो चाहिए होगा आप उतना रख सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे रख रहा हूँ इसको 44, या फिर इससे ज़्यादा कम करके देख भी सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप 44 रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर करना है, आपको इसको यहाँ पे कुछ इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है अब डन, ठीक है, डन कर देना है। अब गाइस जो आपका मॉडल है उसके नीचे शेडो बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से वही शीट लेंगे वापस से। एंड गाइस ड्रॉ टूल से चाहो तो आप वहाँ से भी शेडो बना सकते हो एंड यहाँ से भी आप शेडो बना सकते हो, ठीक है। जो सारी जो हिसाब से आपके ऊपर है, जो आप जैसे चाहो वैसा शेडो बना सकते हो। तो गाइस सेम चीज़ वही करेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, ब्रश के साइज को छोटा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ इतना रख लेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम फोटो को जूम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें शेडो बनानी है तो फोटो को जूम तो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर जूम कर लेते हैं, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना आपको वहाँ वहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं, एंड एक यहाँ पे कुछ स्टेप से कर लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे जहाँ जहाँ पे गलती से मतलब हो चुका है पेंट वहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं इसको। सो एक यहाँ पे भी रह गया है, तो उसको हम यहाँ पे ओपेसिटी अपने हिसाब से रख लेना, आप सभी को जितना आप शेडो चाहो उतना रख सकते हो। एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया रह गया है मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपसे यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको डन कर देना है, ठीक है। हमारी शेडो भी बन चुकी है एंड यहाँ पे मॉडल भी लग चुका है। तो गाइस मैं थोड़ा सा ना मतलब कि शाइन इफेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे टूल्स का, ठीक है। टूल्स में जाएंगे एंड ऐसे जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको इसकी जो ब्राइटनेस होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपसे फ्री करना है, फोटो को जूम करना है एंड गाइस अपने मॉडल के ऊपर थोड़ा सा शाइन इफेक्ट डालना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक यहाँ पे करते हैं पेंट और एक यहाँ पे कर देते हैं एंड यहाँ पे नीचे की तरफ भी कर देते हैं। सो यहाँ पे इतना एंड टी शर्ट के ऊपर भी कर देते हैं जो अंदर से पहन रखी है तो हीरो भाई ने, तो यहाँ पे भी कर देते हैं। अब यहाँ परफेक्ट है।
अब यहाँ पे इसको डन करते हैं। एंड जो गाइस इसकी ओपेसिटी वगैरह होगी जितनी आप चाहो उतनी रख सकते हो। सो मैं इसको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी रखूँगा अराउंड 8-9 तक कुछ रखेंगे, ठीक है 8 तक रखते हैं, 9 तक परफेक्ट है। ओके सो यहाँ पर डन कर देते हैं। अब गाइस बात आती है हमारी कलर करेक्शन की, ठीक है। तो कलर करेक्शन जो हमें एकदम हल्की फुल्की करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको ओपन करते हैं सीधे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, इसका हल्का सा एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है हल्का सा। एंड उसके बाद आपको उसका मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, आपको जो कॉन्ट्रास्ट होगा इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट मिलेगा गाइस आपको, उसका हाईलाइट जो होगा इसको आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो शेडो होगी इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है शेडो को, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक हम इसका यहाँ पे कम कर देंगे, क्योंकि टी शर्ट का कलर भी है ना ब्लैक, तो इसलिए थोड़ा वाइट भी कम कर देंगे। एंड जाएंगे ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसमें टेम्परेचर को इसको हल्का सा कम करेंगे, ठीक है, या टेम्परेचर माइनस ही नहीं करेंगे, ठीक है इसको जीरो ही रहने दे रहा। एंड कलर मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर को लेंगे एंड इसका सेचुरेशन हम माइनस कर देंगे। एंड बाकी कोई सभी कलर नहीं छेड़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कलर छेड़ने की जरूरत है नहीं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो कलर से तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर डन करेंगे हम एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है क्लियरिटी अपने अकॉर्डिंग। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो तो आप डालना ही नहीं है, ठीक है, इसमें फोटो में विग्नेट नहीं डालना है आपको। यहाँ पे हल्का सा ग्रेन माउंट बढ़ा देना है एंड यहाँ पे आपको जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है बस आपको शार्पनेस बढ़ा देना है। एंड जो नॉइज रिडक्शन है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको एक और मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया गाइस, ठीक है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।